हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड DBZT यांत्रिक। आपको पता होगा कि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आ चुका है डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। आपने देखा और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें बहुत कुछ मैंने क्लियर किया है, क्योंकि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि वो क्या है, तो वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा या फिर आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोस्ट गार्ड ये Stage 3 के लिए है और डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा। ओके, तो डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे बनेगा, क्योंकि सब लोग बता देते हैं कि कौन कौन डॉक्यूमेंट लगने वाला है, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा आपको। YouTube चैनल में पूरा छान लीजिएगा, मिल लीजिएगा, जो भी करना है कर लीजिएगा। आपको YouTube पे कोई भी नहीं बताने वाला है कि ये डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा। ओके, सिर्फ इतना बता देगा लोग कि कौन कौन डॉक्यूमेंट लेके जाना है, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं बताने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में पूरा ही डिस्कस करने वाला हूँ डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा, पूरा तैयार कर लेना है आपको, क्योंकि बहुत से बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स यहाँ पे देने वाला हूँ और A to Z आपका डाउट यहाँ पे क्लियर भी होने वाला है। तो वीडियो को फुल वॉच करना है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आपका डाउट बना रहेगा तो फिर आप बाद में परेशान होइएगा। बाय चांस कोई डाउट आपका बच जाता है तो आपको घबराने की कोई भी मतलब ज़रूरत नहीं है, कॉमेंट सेक्शन में आस्क कर लेना है या फिर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ पर ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा या फिर कॉल भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट के PDF है ना, ये सारे आपको कहाँ पे मिलेंगे, टेलीग्राम पे। सो तो वहाँ पे ऐड होना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं Stage 3 के डॉक्यूमेंट के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और ये आपने वीडियो जरूर देख लिया होगा Stage 3 वाला, जो मैंने नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आया है, इसी को आपको इसमें अब ज़्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि उसमें मैंने सारा कुछ ये डिस्कस कर दिया है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और 4 नंबर पे आप देख लीजिए कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू डाउनलोड, मतलब कि यहाँ से आप Para 3 जो ये अब दिया है D से लेकर J तक का, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर आपको करना क्या है, आपको वो PDF ओपन करना है और PDF ओपन करके इस लिंक पर क्लिक कर देना है। इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करिएगा वो आपको पहुँचा देगा वहाँ पर, ये डॉक्यूमेंट का जो है ना D से लेकर J तक ये सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए अब लेके चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और लेके चलते हैं आपको उसी लिस्ट के पास। तो उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो Stage 3 ऐसा करके कुछ ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक, और यहाँ पे Stage 3 नाम के खुल जाएगा और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड और डाउनलोड लिंक, यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है सीरियल नंबर यहाँ से 1 नंबर पर, तो ये तो आपको वहीं पर मिलेगा। कलर प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन Stage 1, Stage 2 और Stage 3 का एडमिट कार्ड, Stage 3 का आया नहीं है लेकिन Stage 1 और Stage 2 का आपके पास होगा। तो ये कलर प्रिंट आउट लेके जाना है, इसका लिंक नहीं दिया है क्योंकि वह आपके पास ऑलरेडी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज सबमिटेड इन एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है एप्लीकेशन फॉर्म में वो ओरिजिनल लेके जाना है, तो वो भी तो आप ही के पास होगा, तो इसका लिंक वगैरह नहीं है, तो ये बिल्कुल भी घबराइएगा मत। 3 नंबर पर दिया है 3 फोटोकॉपीज ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सभी के 3 फोटोकॉपी आपको चाहिए सेल्फ अटेस्टेड करना है खुद के द्वारा। 4 नंबर पर दिया है 13 NOS पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एज सबमिटेड इन एप्लीकेशन, जो भी आपने फोटोग्राफ सबमिट किया था वो 30 फोटो आपको चाहिए, कितने 30 फोटो आपको चाहिए। बाकी मैं जब आएगा मेरिट लिस्ट मतलब कि एडमिट कार्ड आ जाएगा तो सारा कुछ फिर से डिटेल में बताऊंगा, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये आपको उसके बाद बात कर लेते हैं 5 नंबर पे कलर फोटोग्राफ ऑफ स्पेसिफिकेशन, ये रेशियो आप देख लीजिए विथ ब्लू बैकग्राउंड 10 NOS, और ये इसलिए दिया जाता है, ये पता है किस लिए, ये प्राण के लिए है। और प्राण बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि प्राण क्या होता है, तो इसका भी एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है प्राण क्या होता है, और ये प्राण के लिए ही फोटोग्राफ मांगा गया है। ये जो रेशियो देख सकते हैं ना, ये रेशियो 10 फोटो मांगा जाता है प्राण के लिए। ओके, प्राण क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट। तो अगर किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताएगा, वरना मैं तो बताने वाला ही हूँ और वीडियो भी बनाया है मैंने, तो वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट 1 कॉपी ओरिजिनल और 2 जीरोक्स कॉपी। ओके, एक ओरिजिनल बनवाना है और 1 जीरोक्स कॉपी। पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा और किसके सिग्नेचर चाहिए, किसके मोहर चाहिए, वो आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो ये पेरेंटल डाउनलोड हो जाएगा, पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट। पहले ये देख लीजिए उसके बाद मैं बताऊँगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट।
इस पर क्लिक करिएगा, डायरेक्ट डाउनलोड ही हो जाएगा। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं पुलिस वेरिफिकेशन कैरेक्टर, ये दोनों चीज़ अलग अलग होती है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पुलिस वेरिफिकेशन चीज़ अलग है, कैरेक्टर अलग है, ओके। बट बिना एक के आपका पुलिस वेरिफिकेशन ये नहीं बनता है, ओके। तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है, वन कॉपी ओरिजिनल चाहिए और दो जीरोक्स कॉपी, मतलब उसी का दो जीरोक्स करा लेना है। और पुलिस वेरिफिकेशन जो ये जो यहाँ पे फॉर्मेट दिया है ना, उसी फॉर्मेट में आप बनवाइएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा ऑफलाइन में। पहले आपको पता करना है कि आपके जो भी आपके जिलाधिकारी हैं, मतलब जिलाधिकारी मतलब कि जो भी यहाँ पे, और पुलिस वेरिफिकेशन किस से होना चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस पर आपके SP के सिग्नेचर होने चाहिए, किसके? SP के द्वारा, दूसरा किसी का नहीं चलता है। पिछली बार बच्चों को आउट भी किया गया है, जाके आप रिव्यू Stage 3 का जाके देख सकते हैं, ये भी आपको Stage 3 का रिव्यू में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। SP का अगर साइन नहीं रहेगा पुलिस वेरिफिकेशन पे तो आपको डायरेक्ट आउट कर दिया जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। बात करेंगे फैमिली पार्टिकुलर सर्टिफिकेट, वन कॉपी ओरिजिनल और दो जीरोक्स, एक ओरिजिनल बनवाना है और दो जीरोक्स। ये कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, ये भी यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद मैं लास्ट मतलब कि क्लियर करने वाला हूँ कैसे बनाना है, ओके। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वन कॉपी ओरिजिनल और दो जीरोक्स कॉपी। अब देखिए पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पे अलग है, कैरेक्टर अलग है, तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि नहीं एक ही चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा, ये दोनों अलग चीज़ है, तो ये दोनों पे आपको ध्यान देना है, ओके। अब बात कर लेते हैं, कैरेक्टर हो गया, उसके बाद विलिंगनेस सर्टिफिकेट, वन कॉपी ओरिजिनल है और दो जीरोक्स कॉपी है, तो ये कैसे बनेगा कहाँ बनेगा ये भी बताऊंगा, बट यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं सारा ही डाउनलोड कर लिया हूँ और आपको कहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो वहाँ पे प्लीज़ ऐड हो जाइए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अटेस्टेशन फॉर्म विथ कैडर नेम, ये तीन कॉपी ओरिजिनल, ये तीनों पेज जो चाहिए, ये जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है 6 पेज का आई थिंक होता है, ओके, 6 पेज का होता है, और 6 पेज में इसका 6 पेज का तीन तीन कॉपी, समझते हैं ना बात, तीन कॉपी ओरिजिनल ही चाहिए, ओरिजिनल ही। पिछली बार बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हुए थे तो मैं बताता हूँ, लेकिन बच्चे फिर भी कन्फ्यूज होते हैं, तो ये भी डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे, बट आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा। और ये तो आपको पता ही होगा, आधार कार्ड वन कॉपी ओरिजिनल है, 7 जीरोक्स लेना है, पैन कार्ड आपको जिनके पास पैन कार्ड नहीं है पैन कार्ड भाई साहब बनवा लीजिए, 10 से 15 दिन में बन जाएगा, जिसके पास भी नहीं है प्लीज़ पैन कार्ड बनवा लीजिए, बेहतर रहेगा। ये NOC उनके लिए है जो सर्विस कर रहे हैं अभी, और वोटर आईडी कार्ड एज मेंशन ऑन एप्लीकेशन, जो भी आपने मेंशन किया है, अगर वोटर आईडी से फॉर्म भरा है तो वोटर आईडी, पैन से फॉर्म भरा है तो पैन कार्ड, उसके बाद आधार से फॉर्म भरा है तो आधार, ड्राइविंग लाइसेंस से फॉर्म भरा है तो ड्राइविंग लाइसेंस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद मैं बताऊँगा कि इसको बनवाना कैसे है, ओके। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बाकी सारा कुछ यहीं पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नोट में दिया गया फेलियर टू सबमिट अबोव डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग Stage 3, अगर Stage 3 के दौरान आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी आता है तो सीधा आपको कैंसिल किया जाएगा आपका कैंडिडेचर, आपको आउट कर दिया जाएगा, आपके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए बिल्कुल भी वो टाइम नहीं देते हैं, इसलिए क्योंकि आपको वो 2-1 महीना 1.5 महीना पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फोटोकॉपी आर टू बी सेल्फ अटेस्टेड बाय सिग्नेचर, सिग्नेचर के द्वारा आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट को क्या करना है, जितने भी जीरोक्स हैं जीरोक्स को ओरिजिनल पे मत साइन कर दीजिएगा भाई साहब, जीरोक्स पे साइन करने हैं तो सेल्फ अटेस्टेड करिएगा। द फोटोकॉपी शुड ऑल्सो हैव द डिटेल ऑफ नेम, नेम होना चाहिए एंड द रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट, और रोल नंबर होना चाहिए। और ये अगर समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, या फिर ये चीज़ है जो है सेल्फ अटेस्टेड वाला वहाँ पे भी हो जाता है सेंटर पे, तो ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट्स क्लियरिंग Stage 3 विल नॉट बी रिटर्न एंड विल बी रिटेन बाय ACG इन ऑर्डर टू कैरी आउट वेरिफिकेशन फ्रॉम वेरियस एजुकेशन बोर्ड स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट्स, क्योंकि जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट क्लियरिंग Stage 3 के दौरान आपका है, तो अगर आपने मतलब वो क्या होता है कि Stage 3 का जो होता है वो क्या होता है उनके द्वारा रिटर्न नहीं किया जाता, अगर रिटर्न हो गया है तो आपको उसको बढ़िया से रखना है, गुम वगैरह मत कर दीजिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कैंडिडेट नॉट क्लियरिंग Stage 3 विल बी रिटर्न ऑफ द सेम डे, मतलब अगर आपने क्लियर नहीं किया है तो उसी दिन आपको वो डॉक्यूमेंट लौटा दिया जाता है। तो ये कुछ है जो बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब मैं बता देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट मतलब कि तैयार कैसे करने हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो आपको तैयार करना है वो देखिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो तैयार करने हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगते हैं, तो सबसे पहले वही तैयार करना है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आपको तैयार कौन सा करना है, तो सबसे पहले आपको बनवाना है क्या चीज़, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन, ओके। कौन सा? पुलिस वेरिफिकेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये दो चीज़ हैं आपको जो बनवानी है। सबसे पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लेना है और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओके।
कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको और पुलिस वेरिफिकेशन, ये दो चीज़ें जो है आपको बनवानी है। कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन जो होना चाहिए उस पर SP का साइन चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट बनवाइए, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट आपको बनवाने में अगर कम से कम टाइम लगता है तो 15 दिन में बन जाता है, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसमें 1 महीना भी लग जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इस सबसे पहले फोकस करना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे, और बाकी का सारा जो डॉक्यूमेंट है एक दिन में मैं तैयार करवा दूंगा, एक दिन में। तो बिल्कुल भी दूसरे चैनल पे मतलब कि कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोस्ट गार्ड का मतलब ही है परमजीत क्लासेस, बस इतना समझिए और चैनल से जुड़े रहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन किससे? SP के द्वारा, इतने डिटेल में कोई भी नहीं बताएगा, ये ध्यान लीजिए। अब मैं और भी डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है वो आपको दिखा देता हूँ, और मैं अभी आ चुका हूँ अपने चैनल पे ही, परमजीत क्लासेस आपको चेकआउट कर लेना है। और कोस्ट गार्ड DBZD यांत्रिक Stage 3 डॉक्यूमेंट्स के नाम से एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, इस पर आपको विजिट जरूर कर लेना है। और इस प्ले लिस्ट में आपको ये समझ लीजिए, ये आपको ज्वाइनिंग करा देगा ये प्ले लिस्ट। बाकी आपका जो भी डाउट आएगा तो देखिए यहाँ पे लिस्ट मैं दिखा देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट का विलिंगनेस सर्टिफिकेट, सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट को यहाँ पे मतलब कि दिखाया भी गया है, और कैसे बनवाना है ये भी बताया गया है। ये देख सकते हैं सेकंड पे है, ये एडमिट कार्ड आएगा तब मैं बताऊंगा, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं सेलेक्टेड स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट से जाने। उसके बाद ये देख लिए अटेस्टेशन फॉर्म कैसे बनवाना है सेलेक्टेड स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट से जाने, सब कुछ डिटेल में, इतना डिटेल में कोई भी नहीं बताएगा। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं सेलेक्टेड स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट से जाने, सारे के सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट को ही, और ये सेलेक्टेड स्टूडेंट है और सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है इनका, मतलब कि पिछले बैच का है। और कहिएगा तो मैं फिर से भी बनाऊंगा अगर, बट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट में डाउट आएगा तो आप ज़रूर एक बार कहिएगा, मैं उसको बनवा दूंगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखिए कैसे बनवाना है, और डॉक्यूमेंट से मतलब कि सेलेक्टेड, आपको सारा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये वीडियो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला और एक है पुलिस वेरिफिकेशन, ये दोनों लाइन से है, ये दो वीडियो आपको देख लेने हैं, देखिएगा तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। ओके, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको देख लेना है, सॉरी दोनों वीडियो आपको देख लेना है, और ये वीडियो देखते ही आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना है। ओके, उसके बाद रिक्रूट पार्टिकुलर सीट है, तो ये आपका जब आएगा तो मैं बताऊँगा कि कैसे भेजना है उनके ईमेल पे, ये ईमेल पे भेजना होता है, तो वो डेट वगैरह आता है इसके तारीख से पहले भेज दिया हो जाता है। और ये पेरेंटल कंसेंट फॉर्म है, ये कैसे, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा, और डिक्लेरेशन ऑफ फैमिली, ये सारा कुछ जो आएगा ये इसमें जो डॉक्यूमेंट है वही आपको चेक करना है। और बाकी ये सारे जो आएंगे वो आपके Stage 3 का जब एडमिट कार्ड आएगा, कब Stage 3 का एडमिट कार्ड रिलीज जब होगा तो वो सारा उनके साथ मिला आएगा, मतलब कि उसमें अटैच होता है। उसके बाद अंडरटेकिंग, ये भी एडमिट कार्ड के साथ आएगा, तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है। नो क्लेम रिस्क अंडरटेकिंग, ये भी आपका आएगा एडमिट कार्ड के साथ। ये चिल्का में फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है वो उसका वीडियो है, तो अगर आप चेक करना देखना चाहे तो देख लीजिएगा, ये पासिंग आउट पीरियड है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। और किन किन कारण से आप Stage 3 में बाहर हो सकते हैं ये देख सकते हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी ये लिखा गया है, तो ये लाइव वगैरह है तो इसमें आपको ध्यान है। ये देख सकते हैं रिक्रूट पार्टिकुलर सीट, विलिंगनेस लेटर, भेजने के बाद कहीं भेजने के बाद भी मेल आता है तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैं आपको बोल रहा था प्राण क्या होता है, जो एक फ़ोटो दिया है ना 10 फोटो उसका साइज मेंशन किया गया है, वो होता है किस चीज़ के लिए, प्राण बनाने के लिए। और प्राण क्या होता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये कैसे और कहाँ बनेगा ये भी आपको इसी में वीडियो में मिल जाएगा, मतलब कि आप समझ लीजिए पूरा का पूरा निचोड़ निकाल के रखा है। और ये जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तब ये सब देखिएगा, तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है। हाउसवाइफ किट क्या होता है, बट अगर आप देखना चाहें तो मोटिवेशन के लिए देख सकते हैं। बैक पैकिंग भी वीडियो है, तो वो भी अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा। तो आप सबसे पहले आपको दो वीडियो आपको देख लेने हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का और पुलिस वेरिफिकेशन का, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये दोनों ही वीडियो मैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप के अपने ग्रुप पे भेज दूंगा परमजीत क्लासेस वाले, तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कॉमेडी तो है नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, तो अच्छा लगा ही होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास जो भी आपकी बार Stage 3 में जाने वाले हैं। ओके, तो ये मत सोचिएगा कि मेरिट आ जाएगा तब डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, कम से कम ये दो डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए भाई साहब, इतना रिक्वेस्ट है, वरना आपको बहुत ही समस्याओं का समाधान मतलब कि बिल्कुल भी नहीं मिलेगा बाद में। तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कॉमेंट सेक्शन में आज कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है वहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से जय हिंद, जय भारत।